डिप्टी कमिश्नर हिमांशु अग्रवाल दे हुकमत तहत अजन नगर कौंसल गुरदासपुर वालों शहर में नजायज कब्जे हटाए गए। इस मौके नगर कौंसल वालों कमेटी घर तो शुरू होकर कॉलेज रोड मंडी मार्केट के नजायज कब्जे हटाए गए। इस मौके दुकानदार नगर कौंसल के अधिकारियों नाल बहसबाजी करते हुए भी दिखाई दिते। गुरदासपुर तो जोगिंदर पाल की रिपोर्ट, लाइव भारत। इस संबंधी पंचायत भवन में मानयोग डीसी साहब जी मीटिंग हुई, उन्होंने दिशा निर्देशानुसार असी इतों कमेटी घर तो लैके मच्छी मार्केट चौंक तो लैके गौरमेंट कॉलेज तक जिन्ना भी समान अगे लाया सारा समान चुक लेता है। बाकी नाल ही दुकानदार को हिदायत कर दी थी कि कल तो बिल्कुल ना ला समान नहीं तो कल तो चलान कर देंगे। और कल तो असी समान चुकने के नाल 133 चलान भी दे देना और इन्हों सारा समान जब्त कर लिया जाएगा। इन्ह का समान जो चुकया वापस नहीं किया जाएगा। शहर वासियों ने यही बार बार यही अपील करते हैं भी जो अपना समान जो दुकान के बाहर ना लाओ, आवाजाई में बिगड़ ना पाए। जे तुम समान अंदर ला बहर अंदर लागो तो समान तो बिकी जाना, कोई बड़ी प्रॉब्लम जो बंद समान लैना तो लै ही लैना। इन्होंने जिनी दुकान फिर सारी खाली है, लेकिन दुकान के अगे 10-10 फुट इन्हें अगर बढ़ा देता जो आम आवाजाई बहुत बिगड़ पैंता। अभी तो दुकान में अपील करते हैं भी थोड़े अपने दायरे च रहो, जो ना सानू कोई परेशानी है ना तुम्हें कोई परेशानी है ना शहर वासियों को परेशानी है। वो सारी देख लिया देख चुके हो सारे, कोई भी वजह नहीं छड़ा जी तरपाल नहीं लाई, उन्होंने अड़च नहीं पाई गई, लेकिन अं उठा क्योंकि अं 2 दिन पहले भी कह के गए हैं कि इतों तुम परे कर लो, पहले भी 2 दिन पहला समान चुकया ही, पर फिर भी अं कह भी चलो कोई गल माफ़ कर देना हूँ, पर इस बार नहीं।